असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मंच पर डांस करते दिखाई दिए। हिमंत बिस्वा सरमा चुनाव प्रचार के लिए असम के गोलाघाट पहुंचे थे, जहां वो अपने समर्थकों के साथ मंच पर ही झूमते नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एक रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहां बीजेपी का थीम गीत एक और बार मोदी सरकार बज रहा था, जिसे सुनते ही हिमंता बिस्वा सरमा खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर ही झूमने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। मंच के सामने खड़े लोग तालियां बजा रहे थे, जबकि मंच पर खुद मुख्यमंत्री डांस कर रहे थे। इस मौके पर लोगों ने उन्हें गुलदस्ते भी भेंट किए और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने का खास बंदोबस्त किया है। चुनाव आयोग ने इस बार अपने ऐप सी विजिल में भी कई सारे बदलाव किए हैं। सी विजिल ऐप के जरिए मतदाता अपने चुनावी क्षेत्र में हो रही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत कर सकता है। खास बात यह है कि शिकायत के बाद 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी के सबूत के तौर पर वोटर्स फोटो और वीडियो भी भेज सकेंगे। इस ऐप में आप लोकेशन की भी जानकारी दे सकते हैं कि किस जगह पर चुनावी गड़बड़ी हो रही है। किसी घटना की जानकारी देने के बाद आपको दिखेगा कि कुल कितनी शिकायतें की गई हैं, उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई है और कितनी फेल हो गई हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी शिकायत की जांच का काम किसे सौंपा गया है। सी विजिल ऐप को लेकर लोकसभा चुनाव 2019 से पहले लॉन्च किया गया था। इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अरियालूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यही कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच का रिश्ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस कुछ नहीं करती थी, कांग्रेस सरकार में आतंकी बिरयानी खाते थे। यूपी के उन्नाव में एयरफोर्स ने गगन शक्ति अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना के सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस की। Z News.